रामचरितमानस विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान आया है। जाति व्यवस्था पर मोहन भागवत ने बयान दिया है और जाति व्यवस्था को लेकर कहा कि भगवान ने नहीं बनाई है जाति व्यवस्था, पंडितों ने बनाई है। पंडितों ने श्रेणियों में बांटा, जो बहुत गलत था। जाति की श्रेष्ठता के चक्कर में समाज भ्रमित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का ही फायदा दूसरों ने उठाया और इसी का फायदा उठाकर हमारे देश पर आक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। हिंदू समाज देश में नष्ट होने का भय दिख रहा है क्या? ये बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता, आपको समझना होगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। देश में विवेक चेतना सभी एक है, उसमें कोई अंतर नहीं, बस मत अलग अलग हैं। धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की, बदलता तो धर्म छोड़ दो। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडू नका। भगवद्गीता काय सांगते? आरएसएस प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, जो रामचरितमानस को लेकर विवाद टिप्पणी के कारण अभी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। इन्होंने आरएसएस प्रमुख के बयान को लेकर कहा कि यदि यह बयान मजबूरी नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, नीच अधम और महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़ों को प्रताड़ित अपमानित करने वाली टिप्पणी को हटवाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं आरएसएस प्रमुख के इस बयान के बाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जो फिलहाल रामचरितमानस को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान के कारण लोगों के निशाने पर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और एक बार फिर अपनी बातों को दोहराया है।